लेकिन यहाँ पे पता है कितने रुपए मांग रहे हैं? 1500 रुपये। चल भाई चल, क्या हुआ? ओहो, स्टंट मार रहा है। ये गड़बड़ सा लग रहा है मामला मुझे। और ये देखो कितना सही लग रहा है ना, और पूरा पोखरा शहर यहाँ से दिख रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के मेरे ख्याल से 9:30 बजे हैं और हम हैं पोखरा में। फर्स्ट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पोखरा को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बेसिकली ये पोखरा की मार्केट है जहां पर अभी मैं चल रहा हूं। अभी तो कुछ खास चहल पहल नहीं है, लेकिन ठीक है, धूप भी निकल आई है। और सुधा और गौतम यहाँ पर मेरे ख्याल से यही है शायद, यहाँ पर रुके हुए हैं। होटल कुकुन, कौन सी स्ट्रीट है भैया ये? 23 स्ट्रीट, 23 पोखरा की। ओके, एक साइड व्यू है बेसिकली। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखो यार, छोला पूरी, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है मुझे। देखो कितना सही लग रहा है ना पूरी। और ये है आलू, आलू आलू मटर की सब्जी है। तो छोला नहीं लग रहा इसमें, छोला भी है, आलू मटर की सब्जी है। और ये है दही, और ये हो गया अचार। मजा आ गया यार देख के, वो भी पोखरा में। हाँ दे दो, पानी दे दो आप। चलो जी निकला जाए, लेट हो गए हैं निकलने में। एक्चुअली क्या है कि दादा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो 2 बजे के आसपास निकल रहे हैं। देखते हैं कितने जो पॉइंट है वो कैप्चर कर पाए। हाँ बैठ जाओ, देखते हैं कितने पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। सबसे पहले जा रहे हैं हैंड स्टैचू, जो कि पोखरा में है। यहाँ से 7 किलोमीटर है, तो एक ही बाइक पर जा रहे हैं दादा और मैं। तो दादा ने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा फ्रेश हुए, और अब निकल रहे हैं। अपना होटल है नमस्ते, वेलकम टू होटल बुद्धा लैंड रेस्टोरेंट। Lake 6 करके है ये जगह, पोखरा 6 लेक साइड। होटल काफ़ी अच्छा है अपना। जब हम पहुँचे थे कल वाले वीडियो में देख लेना यार, रूम वगैरह सारी चीज़ें दिखाई थी हमें, सिर्फ 1000 रुपये में, 1000 नेपाली रुपीज़ में मिल गया था होटल। ये देखो क्या लग रही है यार फेवा लेक, ओहो ब्यूटीफुल। ऊपर जाना है सीरियसली? यहाँ से कहाँ से रास्ता आएगा? अच्छा ये तो ऑफ रोड आ गया, 3.7। अच्छा गलत ले लिया लग रहा है हमने। तो भाई पोखरा में ना बहुत सारे पॉइंट है देखने के लिए, लेकिन उसमें से हम जितने देख पाएंगे उतने आपको दिखाएंगे। हैंड स्टैचू है, फिर एक शिव मूर्ति है, और साथ ही साथ शांति स्तूप है। तो ये 3 पॉइंट आज देखने की कोशिश करेंगे। टाइम भी निकल चुका है थोड़ा सा, चढ़ाई चढ़ाई है। ओ भाई साहब ये तो भयंकर है। ये तो पहले ही शुरू हो गया मस्तांग। आगे तो बंद लग रहा है, बंद है। अरे ये तो कोई व्यू पॉइंट पे आ गए दादा। ये देखो सामने लेके पूरी शहर नज़र आ रहा है पोखरा का। गलत आ गए, एक मिनट मोड़ता हूँ, उतरना पड़ेगा। 2.8 भाई साहब सीन हो गया यार, ये तो कहाँ ला के पटक दिया गूगल ने। वो बोल रहा सामने है लेक के ऊपर से उड़ के जाए क्या? ये देखो 2.8 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 2.8 किलोमीटर दिखा रहा है ये। गूगल की माँ का साकी नाका। है रास्ता आगे से, ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने बिल्कुल भी। हाँ ये बंद ना हो बस आगे से, नहीं तो उल्टा फिर जाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे तो कोई बंदा भी नहीं है,
रोड बन रहा है या कुछ है भाई साहब? लेकिन ये तो देखो ना, कोई बंदा नहीं आया हुआ, नहीं तो यहाँ से ये पत्ते वत्ते नहीं होते रोड पे इतने ज्यादा भाई, भयंकर। ये गड़बड़ सा लग रहा है मामला मुझे। दादा तुम्हारा गूगल बाबा। अरे इतना वार्म अप नहीं करना था ना, अभी तक तो पहुंच जाते हम। कौन है? अरे ये हाथ वाला कहाँ पड़े हो? यहाँ नहीं है, रास्ता बंद करो, ये आगे नहीं है, बंद है रास्ता। अरे बाप रे, अरे मेरा पैर फंस गया दादा, एक मिनट पैर फंस गया, बच गया, ये फंस गया था जूता इसमें भाई, देख रहे हो ढलान कितनी है। एक मिनट, उल्टा जा रहे हैं यार, आगे से निकल नहीं पा रहे, ये गलत रास्ता है शायद। भाई साहब भयंकर एडवेंचर हो गया, अब फिर वापसी आ गए हैं और एक दूसरा रूट दिखा रहा है। चल भाई चल, क्या हुआ? ओहो स्टंट मार रहा है। क्या बात है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हैंड स्टैचू पे, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। और एक फैक्ट की बात बताता हूँ, ये जो हैंड स्टैचू है ना, ये कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक कॉटेज के ऊपर ही बना हुआ है, मतलब कि टापू रेस्टोरेंट कॉटेज है, तो यहाँ पर बना हुआ है हैंड स्टैचू, तो काफ़ी फेमस है ये पूरे पोखरा में, तो इसीलिए हम इसको ढूंढ रहे थे और यहाँ पे आना चाह रहे थे। तो ये देखिए यहाँ से एंट्री गेट है, अभी अंदर चलेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे, हैंड स्टैचू वगैरह दिखाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है पूरा, और पूरा का पूरा जो पोखरा है ना वो भी नज़र आता है वहाँ से, मतलब हाथ दिखेगा और फिर उसके ऊपर खड़े होके हम जो 360 लेंगे मज़ा आएगा, दादा को भी दिखेगा, है ना। टापू रेस्टोरेंट कॉटेज में एंट्री हो गई, और यहाँ पर ना देखो दो कलश रखे हुए हैं, इसमें पानी वगैरह भर के रखते हैं शायद, मे भी जो भी है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो दादा हमारे जा रहे हैं। अच्छा ये टिकट काउंटर है, लेके गया टिकट? वो लेके ऊपर है टिकट। अच्छा ठीक है, तो भाई टिकट पता है कितने की पड़ी हमें? 100 नेपाली रुपीज़ की, और तीन लोगों की 300 रुपए की है, तो 300 रुपए का उसमें ना खा भी सकते हैं, मतलब आपकी जो टिकट है ना वो फ्री हो जाती है। देखो भाई साहब यहाँ पे ना एक झूला भी लगा रखा है, झूलते झूलते आप ना पूरे पोखरा का व्यू देख सकते हो, एक एडवेंचर ये ट्रेल भी बनाई हुई है जिसके ऊपर ग्लास के पट्टे लगाए हुए, उसके ऊपर से चल के जा रहा है आपने, और वहाँ पर है हाथ वाला। देखो जी ये महाशय बैठे हुए ऊपर हाथ के ऊपर, बड़े बढ़िया से लग रहे हैं, और वो देखो घूमने वाला है। इसका जो प्राइस है वो बता रहे हैं कि 500 डबल का है, सिंगल का है 300, और इसका क्या चार्ज है ये वाला? पर पर्सन 100। डर को अगाड़ी जीत छा करेंगे हम, डर के आगे जीत है। और ये देखो कितना सही लग रहा है ना, और पूरा पोखरा शहर यहाँ से दिख रहा है। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। नीचे तो जाल भी नहीं लगा रखा तुमने? लगा है। कहाँ से आप? कलकत्ता। कलकत्ता दिल्ली। ओके सर, ऊपर हो गया टाइट। हाँ
ये लो भाई ऊपर आ गए हम इधर ओके। ओहो हिल रहा है यार ये तो। नहीं नहीं नीचे बस ठीक है सर लूज है ना। अब बहुत तेज ले जा रहा भाई ये तो है। सही लग रहा है यहाँ से। सही है। उधर जाने का फीलिंग कैसा है दादा? फीलिंग अच्छा है। अच्छा। मतलब डर नहीं लगता। अच्छा। आराम से कोई भी जा सकता है। अच्छा। लेडीज लोगों को तो जा सकते हैं ना? हाँ, हाँ, इजीली इजीली इजीली। ये देखो माउंटेन ड्यू की एड हर जगह आपको मिल जाएगी। डर को अगाड़ी जीत छा। और वो देखो वो भाई यहाँ से चल के आएगा देखो इसके ऊपर से। मेरा भी मन था जाने का लेकिन क्या मैंने वो वाला किया, ये भाई ये वाला कर रहा है सी। और यहाँ पे रोड है नीचे कुछ भी नहीं है लेकिन सेफ्टी वाइज इसके ऊपर से हार्नेस बंधेगा तो गिरने का मतलब ही नहीं, बंदा झूल जाएगा। भाग के आना भाग के, हाथ छोड़ो भाग के आओ भाग के। देख रहे हो पूरा इलाके देख रहा है ये। तो भाई हैंड स्टैचू हमने देख लिया है, बढ़िया लगा, मस्त एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली क्या है ना फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से आप देखो तो काफ़ी अच्छा है। दादा तो ऊपर गए नहीं ज़्यादा, मैंने बोला दादा को जाने के लिए, थोड़ा सा दादा डर रहे थे। और ये भी आ गया है गौतम। चलो जी अब निकलते हैं शिव मूर्ति की तरफ जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर है। क्या बिना पेट्रोल में? ये हाँ इसकी बात कर रहा था मैं, गुप्तेश्वर महादेव गुफा प्रवेश द्वार। तो अगर आप आते हो ना तो कम से कम एक दो दिन बिताना यहाँ पे, हमारे पास तो थोड़ा सा टाइम कम था तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। और डेविल फॉल्स भी है। तो ये मिस हो गया हमारे आज के व्लॉग में, कोई नहीं अब जितना कवर कर पाए ठीक है। ये आगे से राइट है, चलो जी यहाँ से सीधा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है तिलहार। ब्यूटीफुल रास्ता है, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया यार यहाँ पे आके। भाई बहुत सही बना रखा है यार यहाँ के रोड और दोनों घर है ना, हाँ मेंटेन किया हुआ, कितना नीट एंड क्लीन है, बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। मतलब ये जो शाम की ड्राइव है ना, राइड है अपनी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल साफ सुथरा रोड है, मस्त नज़ारे हैं साइड में। यहाँ पे तो बस अपना घर हो मज़ा आ जाए। ऊपर जाना है? ऊपर ही जाना होगा। यहाँ चटपट पानी पूरी चिया पाइंच। तो भाई और कहाँ जाना है भाई साहब, खड़ी चढ़ाई। ओ भाई ये है, पहुंच गए। वो देखो सामने ही महादेव की मूर्ति है, आराम से आराम से। तो गाइस पार्किंग में हमने अपनी बाइक छोड़ दी है और 40 रुपये दो बाइकों का चार्ज है। और ये रही मूर्ति, शिव मूर्ति जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बेसिकली यहाँ पे ना अन्नपूर्णा रेंज भी है जो कि हल्की सी नज़र आ रही है, एक मिनट दिखाता हूँ। पहाड़ बहुत ऊँचे हैं अन्नपूर्णा रेंज के, देखो ये देखना अभी पूरा जो बादल बादल है ना। हाँ ये देखो ना, ये रहा हल्के हल्के से पहाड़ नज़र आ रहे हैं बस, बहुत ज़्यादा जूम करने पे। चलो फटाफट मंदिर चलते हैं नहीं तो बंद हो जाएगा। और हमें ड्रोन शॉट भी लेना है, परमिशन कहाँ से मिलेगी, अंदर जाके चेक करते हैं, देखते हैं जैसा भी है। तो यहाँ से जाना है और दादा अभी आ रहे हैं नीचे से। चलो फटाफट ऊपर चलते हैं। लेकिन मूर्ति क्या खूबसूरत लग रही है यार, बहुत ज़बरदस्त सी। Oh, namah Shiva. Oh, namah Shiva.
तो भाई हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर ना भाई जो विशालकाय मूर्ति है बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन सीन ऐसा है कि भाई देखो हम ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं ना जो लैंडस्केप है वो बहुत अच्छी दिखती है और एक चार चांद लगा देती है वीडियो में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई हमने सोचा था कि 400-500 रुपये लेंगे तो हो जाएगा काम, लेकिन यहाँ पर पता है कितने रुपये मांग रहे हैं, 1500 रुपये। तो चलो जैसा भी है, बाकी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हैं और हम यहाँ पे कुछ सिनेमेटिक्स वगैरह लेंगे अब और फोटोज़ वगैरह लेंगे और फिर चलेंगे पोखरा की साइड और फिर दिखाएंगे आपको लेक साइड व्यू या फिर जो ओल्ड मार्केट है ना वहाँ का व्यू। चलो जी अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ऊपर से नज़ारा कैसा है वो देखते हैं। बाकी ये देखिए कितने सारे लोग ऊपर गए हुए हैं और यहाँ से ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और बीच में ना फाउंटेन चला दिया है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस टाइम भाई साहब पूरा नारंगी कलर हो चुका है आसमान का। हर हर महादेव। सो गाइस नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए हम आ चुके हैं फिर दोबारा से फेवा लेक के साथ में। जी हाँ फेवा लेक इस साइड है जो कि नजर नहीं आ रही अभी, लेकिन इधर की जो नाइट लाइफ है ना बहुत सही है। पीछे देख रहे होंगे आप, वो देखो पीछे झूला भी चल रहा है गोल वाला बड़े वाला, और सामने देखो भाई साहब ये कौन है, ये कौन सी प्रजाति का जानवर है? हेलो पेट वो बड़ा है, है? अरे पेट बड़ा है। सही है सही है। ये देखो भाई यहाँ पे कितने सही सही रेस्टोरेंट और बार बने हुए हैं। अब ये देखो रेडी हो रहा है दीपक दा। ऑल द बेस्ट दीपक दा। बाइक में तो हमने बहुत चलाया है पहली बार। हाँ हाँ लेकिन 5 मिनट टाइम लगेगा, हो जाएगा। सीधे रखना है, हाँ सीधे रखना है। दीपक दा सावधानी से। हाँ दो पैर स्ट्रॉन्ग रखना। हाँ बैक बैक बैक। दीपक दा कर रहे हैं। थोड़ी देर में सीख सकते हैं वैसे। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 बार गिरेंगे है ना फिर हो जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम है ना। रेस्टोरेंट जो कि पोखरा में ही है और यहाँ पे यार कुछ खाएंगे हम, कुछ इंडियन फूड मिल जाएगा। आटे का है, पैसा गलत नहीं होगा, मैदे का नाम रहेगा आटे का। अच्छा जी आटे का बनता है सब। देखो यार रोटी आई है, नान मैं एक दो खा चुका हूँ क्योंकि फ़ोन आ गया था तो उसमें बिजी हो गया। काफ़ी अच्छा सा एम्बियंस बना रखा है अंदर का। बाकी यहाँ का जो रेट है वो आप देख सकते हैं। देखो जी दाल तड़का यहाँ पे 200 रुपये की मिल रही है, दाल फ्राई है 180 की, ये सब नेपाली रुपीज़ में है। प्लेन दाल 150, दाल मखनी 250 और हमने मंगाई है सिंपल इंडियन सेट थाली जो कि है 400 रुपीज़ की।